सुपर हीरोज के नाम सुनकर हमारे दिमाग में स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन ऐसे नाम आते हैं। और देखा जाए तो इंडिया पे उतने सुपर हीरोज नहीं है, पर उसमें से कुछ तो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि क्रिश, रोबोट या फिर मिनल मुराली। पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे सुपर हीरो फिल्म हैं जो देखने की लायक भी नहीं है। तो सच में ऐसे ही वो सारे फ्लॉप सुपर हीरोज फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों ये वीडियो शुरू से तक जरूर देखिए और एक लाइक भी करिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, अ फ्लाइंग जाट, और ये 2016 पर आई सुपर हीरो फिल्म जहाँ पर टाइगर श्रॉफ, जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में नजर आई है। और इसमें एक टीनेजर अमान यानी कि टाइगर को मिलता है एक सुपर पावर। और देखा जाए तो ये फिल्म सुपर हीरो के नाम पे एक कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म देखने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है। और तो दोस्तों जहाँ पर इस फिल्म का बजट था 45 करोड़, इन एंड कलेक्शन रहा 36 करोड़, वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन आई है 60 करोड़, ऐसे करके ये रहा डिजास्टर। नंबर टू, पुली, और ये 2015 का तमिल फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म था जहाँ पर थलपति विजय को डबल रोल में नजर आई है और लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी को एज ए क्वीन और साथ में हंसिका मतवानी और श्रुति हसन को दिखाई है। और इसमें विजय के पास एक मिस्टिकल पावर होता है। और अतः दोस्तों जहाँ पर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और स्टोरी की वजह से मिला है ह्यूज नेगेटिव रिव्यू, ऐसे करके जहाँ पर पुलिस का बजट था 110 करोड़ और ये फिल्म सिर्फ 75 करोड़ का कलेक्शन करके एक डिजास्टर सुपर हीरो फिल्म साबित हुई। नंबर थ्री, ड्रोना, और ये 2008 पर आई सुपर हीरो फिल्म जहाँ पर अभी के साथ प्रियंका चोपड़ा को भी लीड रोल में नजर है। और इस फिल्म का कई सीन या कॉन्सेप्ट हॉलीवुड की फिल्म से ले गई है, जैसे कि हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। पर जो भी हो, फिल्म पे अभिषेक का ना कोई सुपर पावर है या नहीं तो उनका कोई ढंग का कस्ट्यूम है, जहाँ पर पूरे फिल्म पे उन्होंने वेडिंग वाला शेरवानी डांस पहन के रखा था। सोचिए, एक सुपर हीरो फिल्म और वहाँ कोई सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम नहीं है। जो भी हो, जहाँ पर इसका बजट था सिर्फ 45 करोड़, ये फिल्म कलेक्शन किया है सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़, ऐसे करके रहा डिजास्टर। नंबर फोर, कांथास्वामी, और ये 2009 पर आई तमिल का सुपर हीरो फिल्म जहाँ पर चिया विक्रम को लीड रोल में नजर है। और हम सभी को पता है कि विक्रम ने काफ़ी सुपर एक्टर है, पर जहाँ पर इस फिल्म पर विक्रम का कॉस्ट्यूम की वजह से इस फिल्म को मिला है ज़्यादातर नेगेटिव रिव्यू। और उनका कॉस्ट्यूम देखकर ज़्यादातर साउथ अमेरिकन कार्निवल का याद आते हैं, और ऐसे करके ये फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर फाइव, जोकर, और ये 2012 पर आई साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म जहाँ पर खिलाड़ी अक्षय कुमार और सोनाक्षी को लीड रोल में नजर है। और जहाँ पर आकिब एक साइंटिस्ट होता है और फिल्म पे उनका कनेक्शन होता है एक एलियन के साथ। और तो दोस्तों इस फिल्म को मिला है स्टोरी की वजह से, वीएफएक्स की वजह से ज़्यादातर नेगेटिव रिव्यू। बजट था 48 करोड़, कलेक्शन रहा सिर्फ 20 करोड़, ऐसे करके रहा डिजास्टर। नंबर सिक्स, अलग, ये 2006 का साइंस फिक्शन फिल्म है और जहाँ पर अक्षय कपूर और दिया मिर्जा को लीड रोल में नजर आई है। और इसमें अक्षय का होता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर नेचुरल पावर, और उसका पूरे शरीर पर कोई बाल नहीं है, और शायद ये ही उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। छोड़िए, जहाँ पर इसका बजट था सिर्फ 8 करोड़, ये फिल्म कलेक्शन किया है सिर्फ और सिर्फ 56 लाख, ऐसे करके रहा डिजास्टर। नंबर सेवन, लिटिल सुपरमैन, और ये 2014 का मलयालम सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पर मास्टर डेनी इमानुएल को लीड रोल में नजर है। और इसमें मास्टर के पास एक उड़ने वाले पावर होता है। और बता दोस्तों जहाँ पर ये फिल्म सुपरमैन का कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, जहाँ पर इसका बजट था 30 करोड़ और ये फिल्म कलेक्शन किया है 15 करोड़, ऐसा करके ये रहा डिजास्टर। नंबर एट, लव स्टोरी 2050, और ये 2008 का साइंस फिक्शन रोमांटिक फिल्म है जहाँ पर हरमन बजवा और साथ में प्रियंका को लीड रोल में नजर है। और इसका स्टोरी फ्यूचर सिटी यानी कि 2050 का मुंबई पर बेस्ड है। और जहाँ पर इस फिल्म का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और सुपर हीरो हरमन का परफॉर्मेंस को मिला है नेगेटिव रिव्यू। और इसका बजट था 60 करोड़ और ये फिल्म सिर्फ 18 करोड़ का कलेक्शन देकर डिजास्टर साबित हुई। नंबर नाइन, मिस्टर एक्स, 2015 पर आई साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जहाँ पर इमरान हाशमी को लीड रोल में नजर है।
अर्समैक पुलिसमैन जिन्हें सुपर हीरो बनते हैं और उनको मिलते हैं एक इनविजिबिलिटी पावर और इसी पावर को देखकर उन्हें रिवेंज लेते हैं। और बताए दोस्तों, ये फिल्म रिलीज होने के बाद इस फिल्म को ज़्यादातर मिला है नेगेटिव रिव्यू और जिसका बजट था 36 करोड़। ये फिल्म कलेक्शन किया है 30 करोड़ और ये रहा डिजास्टर। नंबर 10 तूफान। ये 1989 का सुपर हीरो फिल्म था जहाँ पर बिग बी अमिताभ जी को डबल रोल में नजर है और उन्हें प्ले किया है दोनों भाई का रोल, जिसमें एक भाई है तूफान और ये सुपर हीरो अपनी तीर देकर मैजिशियन को मार डालते हैं और ऐसे करके रहा फ्लॉप। नंबर 11 शिवा का इंसाफ। और ये 1985 का सुपर हीरो फिल्म है जहाँ पर जैकी श्रॉफ, पूनम और शक्ति कपूर लीड रोल में नजर आई है और ये फिल्म बॉलीवुड का फर्स्ट 3D फिल्म है और शिवा के पास एक सुपर नेचुरल वेपन होता है और इसी वेपन से वो फाइटिंग करते हैं। ये सुपर हीरो फिल्म भी रहा डिजास्टर। दोस्तों, ये रहा इंडिया का कुछ और सुपर हीरो फिल्मों के बारे में। दोस्तों, इस लिस्ट पर कौन सी फ्लॉप सुपर हीरो फिल्म आप खुद का लाइफ का रिस्क लेकर देखे हैं कमेंट पे बताइए और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए और इसके बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।